हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिविल इंजीनियर गुरु। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर सिविल इंजीनियर गुरु में। फ्रेंड्स, रिव्ड आर्किटेक्चर के थर्ड ट्यूटोरियल में मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट ए वॉल, वॉल को कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू चेंज हाइट ऑफ वॉल, बेस कॉन्स्टेंट क्या होता है, बेस ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, टॉप ऑफसेट क्या होता है, चेन ऑफसेट, रेडियस, फ्लेट, इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के तो कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगी। तो फ्रेंड्स, थर्ड ट्यूटोरियल में हम आज पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट ए वॉल। मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था यूज़र इंटरफेस और ऑटो डेसिक रिविट के बारे में। सेकंड ट्यूटोरियल में मैंने बताया था आपको हाउ टू क्रिएट लेवल्स। ऑटो डेसिक रिविट में लेवल्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था लेवल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा क्विक रिविजन करवा लूँगा सेकेंड ट्यूटोरियल की। अगर आपने मेरा सेकेंड ट्यूटोरियल और फर्स्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा है रिगार्डिंग रिविट आर्किटेक्चर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों ट्यूटोरियल्स के लिंक को ड्रॉप करूँगा, आप वहाँ से जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो हमने ये पढ़ा था कि लेवल्स कैसे क्रिएट करते हैं। हमारा फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है। अगर हमें ग्राउंड प्लान बनाना है तो हम फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेवल तक। तो इस तरह लेवल्स में हम काम करते हैं। अगर सेकंड फ्लोर बनाना तो हम सेकंड लेवल से थर्ड लेवल से तक हम अपना सेकंड फ्लोर बनाएंगे। तो इसी तरह ऑटो डेसिक रिविट में हम क्या करते हैं, लेवल्स में काम करते हैं। तो लेवल का वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि वॉल कैसे क्रिएट करते हैं। तो वॉल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ वॉल आर्किटेक्चर। वॉल आर्किटेक्चर का शॉर्टकट है WA, वॉल आर्किटेक्चर। इसमें बहुत सारी टाइप की वॉल्स होती है, इसमें हम क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वॉल आर्किटेक्चर इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको इस मॉडिफाई प्लेस वॉल में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हाइट। अगर हमें वॉल क्रिएट करनी है तो उसकी कुछ हाइट होगी। तो अगर हम हाइट में क्लिक करेंगे तो उस वॉल की हाइट क्रिएट होगी। अगर हम डेप्थ देना चाहते हैं तो हम डेप्थ में क्लिक करेंगे। उसके बाद है अनकनेक्टेड। अनकनेक्टेड क्या है फ्रेंड्स, हम फर्स्ट लेवल से काम करेंगे। तो ये अनकनेक्टेड का मतलब हुआ कि हमारा जो काम होगा, हमारी जो वॉल क्रिएट होगी वो अनकनेक्टेड होगी, मतलब बॉटम से होगी। तो इसकी हाइट कितनी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 26 फीट है। इसको हम चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं, मैं रखता हूँ 9 फीट। तो ये आ गई 9 फीट। उसके बाद मुझे क्या करना है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें जो भी काम करना है इन एरोज़ के विदिन करना है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी बार होता है। जो भी हम इसमें ड्रा करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई लाइन ड्रा की, ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ ड्रा की, क्लिक किया, यहाँ उसको डायरेक्शन दिया, यहाँ को डायरेक्शन दिया, क्लिक किया, यहाँ पे क्लोज किया, और कमांड से बाहर आने के लिए हम दो बार क्या करेंगे, कैंसिल या दो बार एस्केप बटन को प्रेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट किया। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस वॉल की सारी प्रॉपर्टीज़ हमें बताया जाएगा। यहाँ पे लोकेशन लाइन कौन सी लाइन है, वॉल सेंटर लाइन है हमारी, बेस कॉन्स्टेंट लेवल 1 पे। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने वॉल क्रिएट किया वो लेवल 1 से क्रिएट हुआ, मतलब कि हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो जो हमने यहाँ पे वॉल डाली वो लेवल 1 पे ड्रा हो गई, हमने लेवल 1 पे डाली। तो यहाँ हम लेवल 1 पे ही काम कर रहे हैं। तो उसके बाद ये बेस ऑफसेट है। बेस ऑफसेट मीन्स ज़मीन से कितना ऑफसेट में हमारी वॉल बनेगी। तो हम क्या करेंगे, हम एस्केप की प्रेस करके हमने ये वॉल बनाई, तो हम इसको 3D व्यू में देखेंगे यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो
ये ऐसा कुछ हमें नज़र आ रहा है, हम इसका विजुअल स्टाइल चेंज करके शेडेड रखेंगे। तो आपकी ये वॉल क्रिएट जो हमने ब्लॉक बनाया था, ये हमारी जो वॉल है ये इसकी अनकनेक्टेड से लेके ये ऊपर टॉप तक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लेवल वन से हमारी बन गई लेवल टू में, बात आपको समझ आ रही फ्रेंड्स। जो अनकनेक्टेड था ये यहाँ से लेके लेवल वन पे बन गई। तो अगर मैं इस वॉल को देखो फ्रेंड्स, अगर मैं इस वॉल को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमें शो होगी। अगर मुझे इस वॉल को इंक्रीज़ करना है, इसकी हाइट को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है या डेप्थ देना है, तो मैं इस एरो पे क्लिक करके इसको ऊपर ड्रैग कर सकता हूँ। अगर नीचे करना है तो नीचे की तरफ कर सकता हूँ। ये आपकी वॉल बन गई। फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वापस नीचे करता हूँ, इसको भी थोड़ा ऊपर की तरह लाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होगी, इसको हम वॉल को हम चेंज कर सकते हैं। फिर मैं इस वॉल पे क्लिक करता हूँ तो इसकी सारी यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी मेन्यू का मतलब होगी इसमें जो भी ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें शो होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं। अगर हमें इसकी हाइट चेंज करनी है तो यहाँ पे हम 9 फीट से इस वॉल की हाइट को 10 फीट भी कर सकते हैं, 10 फीट भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी हाइट 10 फीट हो गई। उसके बाद हम वॉल्स पे जाएंगे। फिर से वॉल्स पे हम गए, वॉल्स पे जाने के बाद क्या करेंगे, हाइट का मैंने आपको समझा दिया फंडा क्या है। उसके बाद हमारी लोकेशन लाइन हम लेवल वन पे वापस जाते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं, हम दूसरा कुछ बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम वॉल पे जाएंगे, वॉल आर्किटेक्चर के बाद मैंने आपको ये समझाया हाइट, ये वाला हमने समझ लिया। अब समझते हैं हम लोकेशन लाइन को। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ बहुत सारी लाइन आती है। वॉल सेंटर लाइन क्या होती है फ्रेंड्स, जब हमने इस पर क्लिक किया, हमने कोई लाइन ड्रा की, तो यहाँ पे सेंटर पे एक लाइन आपको नज़र आती होगी, डॉटेड लाइन। ये वॉल सेंटर लाइन ये है कि वॉल के सेंटर पे है, ना आउटर फेस पे है ना इंटीरियर फेस पे है, तो वॉल के सेंटर फेस में। तो ये वॉल सेंटर लाइन होगी हमारी। अब हम इसको चेंज करेंगे, फिर हम फिर से जाएंगे वॉल, यहाँ पे हम रखेंगे फिनिश फेस एक्सटीरियर। अगर हम फिनिश फेस एक्सटीरियर रखेंगे तो हमारी जो वॉल ड्रा होगी उसमें डॉट लाइन एक्सटीरियर पे आ जाएगी। हमें जब एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर जब हमें डिस्टेंस चाहिए, वो ये बता देगा कि एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर डिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे इसका एक्सटीरियर, मैं ये इस लाइन को सेलेक्ट कर लूँगा तो ये एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर हमें डिस्टेंस बता देगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम फिर से आएंगे, हमें अगर हमें लेनी है इंटीरियर लाइन, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हम यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे तो ये इंटीरियर वाले में आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। जो डॉटेड लाइन ये इंटीरियर फेस ऑफ वॉल पे आ गया। उसके बाद हम फिर से वॉल पे जाते हैं, वॉल आर्किटेक्चर जाने के बाद हम इस चेन को अनचेन पे अनचेक करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने इसको अनचेक किया, हमें कोई लाइन ड्रा करनी है, हम लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से, ठीक है। हमने ये वाली डायरेक्शन दी एक्स डायरेक्शन की तरफ, तो वॉल हमने यहाँ, अगर हमें फिर से नीचे की डायरेक्शन देंगे तो यहाँ पे वॉल क्रिएट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से हलाना है, फिर हमें यहाँ की तरफ डायरेक्शन देंगे, हमें फिर से यहाँ क्लिक करना है, फिर से यहाँ। अगर हम यहाँ पे वॉल पे क्लिक करेंगे, वॉल आर्किटेक्चर, अगर हम इस चेकबॉक्स पे इस पे टिक करेंगे तो क्या होगा, इस चेन को ऑन करेंगे इन द सेंस। तो जब हम वॉल क्रिएट करेंगे, जब हम वॉल को डायरेक्शन देंगे यहाँ की तरफ क्लिक किया, उसके बाद नीचे की तरफ, तो ये कंटिन्यूसली वॉल क्रिएट होता रहेगा, ठीक है। उसमें हमें क्या करना पड़ता था, बार बार इस पर क्लिक करना पड़ता था, फिर डायरेक्शन देना पड़ता। इसमें सीधे डायरेक्शन देना, हमारा काम ख़त्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसको हम सारे को हम डिलीट करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे। उसके बाद हम फिर से जाएंगे वॉल आर्किटेक्चर के बाद यहाँ पे है रेडियस, क्या इसको हम ऑन करेंगे,
यहाँ पे 1 फीट का यहाँ पे रेडियस दिया है, हम इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, 2 फीट कर देंगे या 1 फीट भी रख सकते हैं। अब मैंने 2 फीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक लाइन को, एक वॉल को हम क्रिएट करेंगे। हमने डायरेक्शन दी, वॉल क्रिएट किया, हमने नीचे की तरह डायरेक्शन दी, हमने नीचे की तरह डायरेक्शन दी, वॉल क्रिएट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस रेडियस की वजह से ऑटोमेटिकली कॉर्नर पे क्या हुआ, यहाँ पे फिलेट हुआ। ठीक है, इस फिलेट का हम साइज़ भी यहाँ पे रेडियस भी चेंज कर सकते हैं। हमने रखा था 2, हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, हम कुछ भी रख सकते हैं, ये 2 फीट समथिंग आ, ये हमने राउंड फिगर में रखा था हाफ, इसीलिए आ रहा है। यहाँ हम 5 रख सकते हैं, तो ये बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉल पे वॉल फेस एक्सटीरियर रखा था। मैं इंटीरियर करके आपको दिखाऊंगा एक बार, तो ये ऐसा नहीं आएगा। वॉल पे गए, वॉल आर्किटेक्चर पे गए, फेस पे हम रखेंगे वॉल सेंटर लाइन। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद 2 फीट का रेडियस से हम एक वॉल क्रिएट करेंगे यहाँ से। फिर हम नीचे की तरह डायरेक्शन देंगे, फिर हम इसको जूम करेंगे, ये हमारा फ्लैट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम यहाँ से 2 फीट से हम कर देंगे 5 फीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए, ये हो गया ऑटोमेटिकली फ्लैट। फिर इसके बाद फिर से हम वॉल जाएंगे, वॉल आर्किटेक्चर पे। वॉल आर्किटेक्चर पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम कोई भी यहाँ पे कुछ भी ड्रा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम कुछ भी ड्रा करेंगे, ये हमने ड्रा किया। जो हम ड्रा कर रहे हैं वो हम लेवल 1 से लेवल 2 पे ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ड्रा किया, ये हम जूम करेंगे, हम जाएंगे। अभी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। फ्रंट व्यू में हमें खाली इस वॉल की थिकनेस और लेंथ नज़र आ रही है। हम फिर से यहाँ साउथ करेंगे, तो हमने जो ड्रा किया यहाँ पे, जो बनाया था वो लेवल 1 पे बनाया था, मीन्स अनकनेक्टेड जो था, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था वॉल का, ये था ये लेवल 1। फिर हमने हाइट दिया इसको ऊपर की तरफ 9 फीट। हमारा ये जो लेवल बनाया है ये 10 फीट का है, इसको हम 9 फीट कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे, फिर इसको इरेज करके हम यहाँ पे 9 इंटर कर लेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। तो हमने जो भी बनाया लेवल 1 और 2 पे बनाया, लेवल 1 पे बनाया। ठीक है, लेवल 1 पे बनाया। अब हमें सेकंड स्टोरी बनानी है, तो लेवल 2 पे काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा फ्रंट व्यू। उसके बाद फिर से हम लेवल 1 पे जाएंगे, हम इसको जूम इन कर लेंगे, इस सारे को डिलीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा, हम फिर से गए वॉल क्लिक किया, फिर वॉल आर्किटेक्चर। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया पहले लाइन से हम कोई भी प्लान बना सकते हैं। लाइन से कुछ भी ड्रा किया, हमने एक ब्लॉक ड्रा किया। ठीक है, फिर से हमने एक ब्लॉक ड्रा किया, यहाँ डायरेक्शन दी, हमने डायरेक्शन दी इसको यहाँ, ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, इस ब्लॉक को हमने लाइन से बनाया। अब इसी ब्लॉक को, इसी रेक्टेंगल शेप को हम रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है, हम उससे भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम वॉल पे जाएंगे, वॉल आर्किटेक्चर में जाने के बाद रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, एक कॉर्नर यहाँ पे पकड़ेंगे, फिर दूसरा जहाँ तक हमें ड्रा करना हम ड्रा कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कहाँ तक ड्रा करेंगे। मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा बन गया। इसको हम 3D व्यू में देखेंगे, ये देख सकते हैं आप 3D व्यू में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से किसी की अगर हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल, तो इनकी हाइट है 9, अगर आपको 10 करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इसकी हाइट चेंज करके 10 कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 10 कर सकते हैं, इन सारे की हाइट चेंज होगी, 10 फीट सब सारे वॉल की होगी। ठीक है, तो हम फिर से वापस आते हैं क्योंकि हमने 9 फीट का वो हमारा लेवल रखा था, इसीलिए। तो उसके बाद हम फिर से जाते हैं लेवल 1 पे, लेवल 1 पे हम काम कर रहे हैं, तो हम लेवल 1 पे जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी
आप कमेंट में लिख सकते हैं क्या समझ नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से बता के समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब हम वॉल पे जाएंगे फिर से। हमने अभी हमारा हम इसको हम वॉल वन पे हैं, हम जाएंगे, हम इसको डिलीट करेंगे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इन चार व्यूज़ के अंदर बनाना है जो भी बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम जाएंगे वॉल पे, वॉल आर्किटेक्चर। मैं आपको स्लोली इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि आपको अगर मैं फास्ट बोलूँगा समझ नहीं आता, मैं स्लोली हर चीज़ें बोलूँगा। ठीक है, आप आराम से समझ लेना। हमने वॉल आर्किटेक्चर सेलेक्ट किया, फिर हमने लाइन वाला ऑप्शन भी यूज़ किया, ये रेक्टेंगल वाला भी यूज़ किया। अब यहाँ पे अगर आपको आपने पहले लाइन से कोई भी शेप आपने लाइन से कोई भी शेप आपने यहाँ पे ड्रा कर लिया, ठीक है, किसी को एनी शेप, ठीक है, क्या कर लिया इसको 3D में, आपका ऐसा शेप बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप चाहते हैं नहीं मैं ऐसा शेप मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दूसरा शेप। आपको अगर रेक्टेंगुलर चाहिए तो आप रेक्टेंगल से ड्रा कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बता दिया था रेक्टेंगल से। ठीक है फ्रेंड्स, आप रेक्टेंगल से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है, हो गया। दो बार एस्केप की में प्रेस करना, फिर ये रेक्टेंगल। आप फिर से लेवल वन पे जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे। हम जाएंगे वॉल आर्किटेक्चर में, हम यहाँ से इनस्क्राइबिड एयर एंड सर्कमस्क्राइबिड, ये आपने ऑटो कैड में भी पढ़ा होगा। इनस्क्राइबिड वाले में हम क्लिक करके यहाँ पे ये साइड्स मांग रहा है, आप जितने भी रखो साइड्स 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो हम यहाँ पे देंगे। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका ये वाला शेप आ रहा है। आप इसी को यहाँ पे जो आप 3D में देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर से हम जाएंगे वॉल आर्किटेक्चर में। वॉल आर्किटेक्चर में जाने के बाद, सॉरी, वॉल आर्किटेक्चर में जाने के बाद आप यहाँ से दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं, सर्कमस्क्राइबिड, ये वाला सर्कमस्क्राइबिड। ठीक है, अब आप इसको एक काम करो, इसको सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सर्कल। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हम फिर से वॉल पे जाएंगे, वॉल आर्किटेक्चर पे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, दीजिए रेडियस जितना देना है, क्लिक करके छोड़िए। 36 दिया, अगर हम चेंज करेंगे यहाँ देंगे हम 10, ठीक है, इंटर, ठीक है। अब ये सॉरी यहाँ पे 10 इंच का हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हुई, तो हम फिर से इसको चेंज करेंगे इसके डायमेंशन को। ठीक है फ्रेंड्स, टेंशन मत लेना, हम 10 फीट करके इसको आदेश 10 फीट करके, ये हमारा 10 फीट का 10 फीट रेडियस का सर्कल हमारा बन गया। इसको हम 3D में देखेंगे, ये रहा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको इसको इंक्रीज़ करना है तो आप इसको अप करके इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसको नीचे की तरफ लाना है तो नीचे की तरफ ला सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, लेवल वन पे फिर से जाएंगे, डिलीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, वॉल आर्किटेक्चर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हमें कोई आर्क शेप में ड्रा करने, हम लेंगे स्टार्ट एंड रेडियस वाला ऑप्शन, स्टार्ट ये एंड, स्टार्ट एंड, ठीक है, हमें रेडियस देना है, ये रहा हमारा। ठीक है, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ से इसके रेडियस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम 3D व्यू में जाके देख सकते हैं, ये बन गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका बन गया। इसके बाद लेवल वन पे जाएंगे, हम लेंगे दूसरा ऑप्शन, वॉल आर्किटेक्चर। यहाँ से आप ये भी ले सकते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, गायब हो गया। हम फिर से जाएंगे वॉल पे, तो ये आप यहाँ से देख लेना। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पिक पॉइंट। पिक पॉइंट क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई
यहाँ पे एक वॉल क्रिएट किया, ठीक है, वॉल क्रिएट करके मैंने इसे रख दिया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अब ऑफसेट, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट डालूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 फीट का मैंने ऑफसेट दिया। अगर मुझे इस लाइन से 6 फीट पे दूसरी वॉल डालनी है तो मैं इस यहाँ इस ऑप्शन से, पिक लाइन ऑप्शन से मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं इस वॉल पे ये रखूँगा कर्सर, थोड़ा नीचे की तरह लाऊँगा तो नीचे की तरह ये डॉटेड लाइन दिखाएगा। अगर मैं क्लिक करूँगा ये लाइन नीचे की तरह ड्रा, वॉल नीचे की तरह लगेगी। ऊपर थोड़ा कर्सर रख के रखूँगा तो ऊपर की तरह डॉटेड लाइन आएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जितना हमने ऑफसेट रखा उतने ऑफसेट में ये वहाँ पे वॉल क्रिएट होते जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका पिक लाइन वाला ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका पिक लाइन वाला ऑप्शन। अगर आपको, अगर हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया, ठीक है फ्रेंड्स, ये ड्रॉ किया, ये हमने कुछ भी, ठीक है, ये ड्रॉ किया, अगर आपको इसको डिलीट करना है तो क्या करना, क्रॉस विंडो से सेलेक्ट करना है इसको, फिर अपने कीबोर्ड पे डिलीट की को प्रेस करना, या यहाँ पे जो एरो है, अगर आप कीबोर्ड पे प्रेस नहीं करना चाहते तो यहाँ पे जो रेड क्रॉस है इसको सिंपली क्लिक करना तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद वॉल पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम एक प्लान क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक प्लान को बनाएंगे। ये हमने डायरेक्शन दी यहाँ से, फिर हमने डायरेक्शन दी यहाँ से, डायरेक्शन दी यहाँ से, डायरेक्शन दी यहाँ से, डायरेक्शन दी यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारा एक प्लान। ठीक है, अब इसी प्लान को हम 3D में देखेंगे तो ये हमें ऐसा नज़र आएगा। अब हम, मैं इसका बैक साइड देखना चाहता हूँ, तो करना क्या है आपको, जो व्यू क्यूब है इसको बोलते हैं व्यू क्यूब, इसको यहाँ पे, वन मिनट, इसको यहाँ पे रख के आपको ये देख सकते हैं, आप हर साइड देख सकते हैं इसके। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रंट बैक टॉप बॉटम सब कुछ आप देख सकते हैं, इसको पूरा रोटेट कर सकते हैं ऑटोकैड में, जैसे ऑर्बिट ऑप्शन से करते थे हम वैसे इसमें कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। चलिए फ्रेंड्स, तो ये आपने एक प्लान ड्रा किया था इसे हमने। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको रिविट आर्किटेक्चर के इस ट्यूटोरियल में, ये ट्यूटोरियल था रिगार्डिंग हाउ टू क्रिएट ए वॉल और वॉल की थिकनेस हाइट को कैसे हम चेंज करेंगे, अगर इसमें फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको पूरी पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, सो गुड बाय।